गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपने अवकलन का सातवां चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, तो आज हम सबसे पहले जो हमारा 2021 के लिए सिलेबस आया है संशोधित, आज हम सिलेबस की डिस्कस करेंगे। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स, सबसे पहले इसमें हम पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट में चैप्टर 1 से 8 तक, ठीक है जी, जो हमारे 1 से 8 तक चैप्टर हैं फर्स्ट पार्ट में, उनमें क्या संशोधन हुआ है, हमें क्या क्या उसमें करना है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो पूरा हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुका है। तो ये हम फर्स्ट चैप्टर इसका हम नहीं करेंगे, ठीक है जी। सेकंड चैप्टर पूरा करेंगे, संबंध जो इसमें है हमारी प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन सेकंड चैप्टर हमें कंप्लीट करना है, और ये आपको करवा दिया गया है तो आप इसी को वापस रिवाइज करोगे। इसमें कुछ भी संशोधन नहीं हुआ है, न ही इसमें कुछ जुड़ा है अभी, और न ही इसमें कुछ कम हुआ है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम थर्ड चैप्टर की, आव्यूह की। थर्ड चैप्टर हमारा क्या था इसमें, आव्यूह। आव्यूह की बात करें तो इसमें हमारे 3.1 तो पूरी वैसे की वैसे ही करनी है, इसमें 3.1 वैसे की वैसे करनी है। जो हमारी 3.2 है करनी तो ये भी है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट रिमूव हुआ है, कुछ पार्ट इसका रिमूव हुआ है, ठीक है जी। हमारा ये चैप्टर वैसे किया हुआ है तो इसमें रिमूव पार्ट आपको बता देता हूं क्या क्या नहीं करना है। तो देखो भी इसमें हमें इसमें नहीं करना जो शून्य के भाजक, एक तो हमें इसमें शून्य के भाजक नहीं करने हैं, दूसरा इसमें हमें वर्ग आव्यूह की, वर्ग आव्यूह की घन पूर्णांक घात, घन पूर्णांक घात जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम नहीं करेंगे। फिर इसमें अशून्य आव्यूह का अस्तित्व, अशून्य आव्यूह का अस्तित्व जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह है, जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह है। तो 3.2 में से हमारा ये पार्ट रिमूव हुआ है जो हमें नहीं करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं करोगे। वैसे हमने ये कर लिए थे पहले, लेकिन उसमें से आप ये क्वेश्चन छोड़ दोगे। पहला चैप्टर हमने किया भी नहीं है और ये हमारा पूरे का पूरा हट भी गया। सेकंड चैप्टर हमने कर लिया है और ये पूरे का पूरा वैसे का वैसे ही। अब बात करते हैं फोर्थ चैप्टर सारणिक की। तो देखो भी इसमें फोर्थ चैप्टर में क्या संशोधन हुआ है हमारा, फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं। फोर्थ चैप्टर है हमारा सारणिक, फोर्थ चैप्टर सारणिक। सारणिक में आपने 4.1 कंप्लीट जो आपको करवा दी गई है, 4.1 आपने कंप्लीट करनी है और आपको करवा दी गई है। और 4.2 जो आपकी थी सारणिकों के गुणधर्म और प्रारंभिक संक्रियाएं लगाते थे, गुणन भी था उसमें, तो ये आपको इसमें 4.2 चैप्टर नहीं करना, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है रिमूव हो चुका है, हमारे सिलेबस से ये रिमूव हो चुका है, ठीक है जी। पांचवा चैप्टर व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह एवं
रैखिक समीकरण एवं रैखिक समीकरण, यह भी चैप्टर हमने कर लिया था। इसमें आपने 5.1 जो चैप्टर है वो तो पूरा आपने करना है, 5.2 में रिमूव हुआ है, और क्या रिमूव हुआ है इसमें, रिमूव हुआ है क्रैमर नियम। क्रैमर नियम से हम क्वेश्चन करते हैं ना, क्रैमर रूल द्वारा दो आवयवों को गुणनफल करते थे, तीन सारणी का भी करते, 3/3 का भी, 2/2 का भी। तो क्रैमर नियम जो हमारा है, डेल्टा वन डेल्टा टू वैल्यू ज्ञात करते थे, एक्स और वाई के मान फाइंड आउट करते थे, तो ये आपको इसमें सिर्फ नहीं करना है, जो भी क्रैमर रूल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आप इसमें नहीं करोगे। वैसे ये हमारा चैप्टर किया हुआ है, ये भी चैप्टर किया था, थर्ड भी किया हुआ है, सेकंड भी किया हुआ है। जो जो रिमूव्ड पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो आप छोड़ते जाओगे इस पर, ये सिलेबस नोट कर लोगे या इनका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। फिर बात आती है सिक्स्थ चैप्टर की, सततता तथा अवकलनीयता, सततता तथा अवकलनीयता। ये सिक्स्थ चैप्टर हमें दो पॉइंट है इसमें भी, 6.1 6.2 और मिसलेनियस भी है, ये पूरे का पूरा करना है, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, ये चैप्टर हमने अभी तक नहीं किया है, लेकिन ये पूरा का पूरा हमें करना है, ठीक है जी। अब बात आती है सातवां चैप्टर जो हमारा लास्ट चल रहा था, इसमें अवकलन। अवकलन में आपने क्या क्या नहीं करना, 7.4 चैप्टर आपको नहीं करना, ये रिमूव हो चुका है। प्राचल फलनों के अवकलज, प्राचल फलन इसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी होती है, टी में या थीटा में फंक्शन होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम कौन से चैप्टर पे थे, 7.2 पे, तो यहां तक हम पहुंचे ही नहीं, और 7.4 हमें करना भी नहीं है क्योंकि ये सिलेबस से रिमूव हो चुका है। अब बात आती है 7.6, ये भी हमें नहीं करना, इसमें रोले प्रमेय है, माध्यमान प्रमेय है, ये रिमूव हो चुकी है, ये हमारे रिमूव हो चुकी है, रोले प्रमेय है, माध्यमान प्रमेय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हमें नहीं करने। मेन इसमें क्या नहीं करना, 7.4 और 7.6। अब बात आती है आठवें चैप्टर की, अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलजों के अनुप्रयोग, अवकलजों के अनुप्रयोग। इसमें आपको क्या क्या नहीं करना सुन लीजिए, एक तो आपको 8.1 नहीं करनी है, जो राशियों में परिवर्तन की दर है वो आपको नहीं करनी इस चैप्टर में। 8.2 करेंगे, वृद्धमान ह्रासमान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर 8.3 भी इसमें करेंगे, लेकिन 8.4 भी नहीं करनी और 8.6 भी नहीं करनी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपने नहीं करने। फिर भी आपको सिलेबस सेंड कर दिया जाएगा, बाकी मैंने चैप्टर वाइज आपको बता दिया है अभी क्या क्या रिमूव हुआ है। ये है हमारी पार्ट फर्स्ट की बात, सबसे पहले हम अपना पार्ट फर्स्ट ही कवर करेंगे, आपको टेंशन लेने की कहीं भी जरूरत नहीं है, आपको सिलेबस जो भी है आपका परीक्षा के लिए आपको पूरा करवाया जाएगा, रिवाइज भी करवाया जाएगा, तो आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखो। तो ये है आपका पार्ट फर्स्ट, जो आपको करवा दिया गया है उसमें आप ये संशोधन कर लोगे, क्या हमने करना है क्या नहीं करना वो सारा, ठीक है जी। बाकी हम जो भी चैप्टर है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, हमारा सातवां चैप्टर था रनिंग में अवकलन, तो उसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे।